रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आईवे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सलीमा रजा और मैं हूं अरशद इकबाल। हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके ही प्रोग्राम आईवे, ये है रोशनी का कारवां में। हम हिंदी हैं और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं अगर हिंदी नहीं ये देश रहे आबाद। दोस्तों, जैसा कि आप जा... क्या करूं देखो तो मौका ही ऐसा है कि बस ये कुछ अंदर से उबल के निकल आई चीज। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आज सभी को, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं और पूरे देशवासियों को और वो लोग जो इस देश से बाहर रहते हैं, उन सबको 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हैं। अपने इस शो की शुरुआत कर रहे हैं कुछ इस तरह से। शीतलाम मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम, मलयज शीतलाम मातरम, शस्य श्यामलाम मातरम। पैसों की तरह ही जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन की भी बहुत अहमियत होती है, सही कहा ना मैंने? मुझे तो लगता है कि पैसों से ज्यादा। बिल्कुल। और जब बात बिजनेस को कामयाबी से चलाने की आती है तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की खास अहमियत होती है, और ऐसी जगहों पर डायनामिक प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है जो इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और उसे कैसे सिक्योर करना है वो भी जानते हैं। चलिए आज ऐसी ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी से मुलाकात करते हैं जो आज इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और बेहद कामयाब हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान प्रणव लाल की, जो जन्म से ही दृष्टिहीन है। इनसे बातचीत करेंगे हमारे साथी जॉर्ज एब्राहम। प्रणव नमस्कार, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? Well, professionally, I've done an MBA academically, but what I'm doing right now is I am working in a space of information security, which is essentially teaching people how to value information so that they can protect their competitive advantage. तो प्रणव, आपने MBA किया है और आजकल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां पर आपका मुख्य काम है कंपनीज के जो जानकारी नॉलेज बेस है उसका सुरक्षा। तो आपका जो ये कंप्यूटर में जो रुचि हुई, ये कैसे हुआ और कब शुरू हुआ? माय पेरेंट्स वर वेरी कीन टू एंड दे वर वेरी ओपन अबाउट मी एक्सप्लोरिंग एनीथिंग, सो आई स्टार्टेड बाय डिसअसेंबलिंग द फैमिली स्टीरियो एंड माइग्रेटेड टू द कार एंड आई यू नो यूज्ड टू प्ले अराउंड विद द कंट्रोल्स एंड डाइसेक्टेड अ फेयर अमाउंट ऑफ माय टॉयज and I moved on. I had a lot of interest in physics. Used to keep going to the school's physics lab, and my parents actually set up a chemistry and a sort of a physics lab at home, and I used to play around a lot, which is where the interest in technology came. And once that happened, I got the computer, which gave me a totally new field to explore. तो बचपन से ही आपके माता पिता ने आपको घर में अलग अलग चीजों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए आजादी दिया, और आपने अपने स्टीरियो सिस्टम, आपके फादर की कार वगैरह से खेलना शुरू किया, और बाद में जब कंप्यूटर्स आपके पास आ गया तो आपका जिंदगी में एक नया क्षेत्र खुल गया जिससे आपका कंप्यूटर के साथ लगाव आया, टेक्नोलॉजी के साथ लगाव हुआ। और ये बताइए प्रणव कि आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये क्या है और कब से है? Well, I was in a hurry to get out of the womb, so I was born premature. So I was, I'm talking about 1979. So I got something called retinopathy of prematurity. तो आपका जन्म समय से पहले हुआ और इस वजह से आपका रेटिना का प्रॉब्लम हुआ, यानी कि ROP का प्रॉब्लम है। आपके पेरेंट्स का क्या प्रतिक्रिया था? The first thing they did was they agreed never to lie to me. So I always got everything straight out. No two ways about that.
And besides that, they allowed me to explore. They permitted me to research. They taught me advocacy skills for myself. Mm. They helped me create systems. And the other decision they took was to have me mainstreamed. So I did not go to an institution. Right. What I should also tell your listeners is that my left hand is partially formed. That's a genetic quirk that happened. And so it's very difficult to hold on to something and draw. तो आपके parents ने आपसे कुछ छुपाया नहीं, आपको खोज करने के लिए encourage किया, आपके जिंदगी व्यवस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया, और आपको हमेशा मुख्य धारा में ही रहने का और जीने का मौका दिया. तो इससे आपका जिंदगी काफी organized और व्यवस्थित हुआ. तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने mainstream schools में पढ़े, तो आपके स्कूलिंग के दौरान आपका कोई विशेष अनुभव जो आप शेयर करेंगे? Well, I was given the bone china treatment, so I was treated like the crystal doll. Mm-hmm. So you sit in one place, don't do anything. As in, you can do stuff, of course, but you know, I'm talking about the initial reaction of people. Right. Right. And then when they see you actually being able to do things, then they open up to you, and it's like almost anyone else in school. Mm. One area that I did lack, and lack severely, is participation in sports. Right. And of course, you have the usual challenges of getting material in accessible format and so on. तो शुरू में सब लोग आपके जरूरत से ज़्यादा ध्यान रखते थे, ख्याल करते थे, और पढ़ाई के जो materials वगैरह था, reading material, writing material, उसका भी कमी था. और आपके सबसे बड़ी कमी यही थी कि आपको खेलकूद में भाग लेने में problems थे. तो प्रणव, आप किताबों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, आप काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, तो ये किताबों का जो ज्ञान है जो आप पढ़ते हैं, आपके जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित किया? इट्स हार्ड टू क्वांटिफाई दैट, बट आई वुड से इट्स बीन अ वेरी क्रिटिकल इनपुट, बिकॉज इट ए एक्सपैंड्स होराइजंस, एंड बी इट गिव्स यू अ मींस ऑफ रिलेटिंग विद एवरीवन एल्स. एंड आई एम रीडिंग द सेम बुक्स एज एवरीबॉडी एल्स डज. या माय टेस्ट्स आर शेड मोर इक्लेक्टिक. किताब पढ़ने से समझ बढ़ती है, सोच विकसित होती है, और संतोष इस बात की है कि मैं भी वही किताबें पढ़ रहा हूँ जो अन्य लोग पढ़ रहे हैं. यह है प्रणव का कहना. ये MBA का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके साथ आपने कैसे डील किया? Well, it's called the common admission test. Right. And like everybody else in who I know, at least I took coaching, which bent backwards to accommodate my needs. In fact, they've reached a stage now where blind people go in routinely and they get material in accessible format. See, the thing with the CAT is everything has to be mental. Right. Because you get less than 60 seconds per question. And because of that, by default, you're solving mentally. So there's no issue of note-taking or anything. So you actually have to develop your ability to hold numbers and, you know, the whole problem in your brain. Right. So that's not the accessibility challenge. Mm. The accessibility challenge you have is getting the material. Right. And once that is done, of course, you are still stuck with this combination of a writer who's going to read and write, because they still don't allow you to use any kinds of aids whatsoever. Right. All the other challenges were the same challenges that everybody else faced. How do you brush up your calculation speed and so on? मुख्य रूप से दो मुश्किलें थी. एक तो CAT exam लिखने में study material मिलना बहुत मुश्किल था, और दूसरी जो writer के साथ जो coordinate करना था वो एक चैलेंज था. तो प्रणव, आपकी पहली नौकरी कौन सी थी? माय फर्स्ट जॉब वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनी. आई वाज रिक्रूटेड बाय करियर लॉन्चर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी. इट वाज अ लॉट ऑफ टीचिंग. आई डिड काउंसलिंग, आई डिड सम सेल्स, एंड देन आई मूव्ड टू द टेक्नोलॉजी सेक्शन. तो आपने अपना प्रोफेशनल करियर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी शुरू किया, आपने सेल्स में कुछ काम किया, आपने कुछ काउंसलिंग भी किया, और फिर आपने टेक्नोलॉजी सेक्शन में शिफ्ट हुए. प्रणव, हमने देखा है कि आप कंप्यूटर्स बिना कीबोर्ड्स के यूज करते हैं, तो इसके पीछे रहस्य क्या है? आई यूज अ प्रोग्राम कॉल्ड ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग. इट अलाउज यू कंप्लीट हैंड्स फ्री कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर. नाउ द चैलेंज इज यू कैन रीड द स्क्रीन्स ऑफ ड्रैगन, बट यू ड्रैगन कांट कंट्रोल द स्क्रीन रीडर. सो विच इज वेयर यू हैव अ ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड जेसे, विच अलाउज ड्रैगन टू कंट्रोल द स्क्रीन रीडर. सो इफ आई से स्पीक लाइन, इट विल स्पीक द करंट लाइन on the screen, and the whole series of commands, and which is how I do it hands-free. And as I dictate, what I can do is I can tell the computer to echo back to me what has been actually written.
तो आप विशेष सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे आप कंप्यूटर के साथ बोल के कम्युनिकेट करते हैं, और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए आप जानते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या है, और इसी प्रकार आप अपना काम कंप्यूटर से करते हैं। वेरी गुड। सो आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके जिंदगी के अनुभव से आप जो कुछ भी सीखा उसमें से कुछ आप सुनने वालों से कुछ शेयर करना चाहेंगे? Well, I think a critical thing that I have learned is value of research. Mm-hmm. Whether it is on the job or whether it is something in life. Right. You have to do your research before you take a step. And the advantage is you at least have a rough idea of what you're getting into and can be prepared. आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyway.org पर विजिट करें। दोस्तों, आज हम जाने माने स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा की जुबानी जानेंगे साउथ अफ्रीका के एक जज जस्टिस जकरिया मोहम्मद याकूब के बारे में। जस्टिस जकरिया मोहम्मद याकूब साउथ अफ्रीका में एक जानी मानी हस्ती हैं, जो 1998 से साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक जज की हैसियत से कार्यरत है। इसके साथ ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बन वेस्टविल के वर्तमान चांसलर भी है। 1948 में एक भारतीय मूल के परिवार में जन्मे जस्टिस याकूब ने मात्र 16 महीने की आयु में मेनिनजाइटिस से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। याकूब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि वो उन कुछ दृष्टिहीन अफ्रीकी बच्चों में से थे जो एक भारतीय दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल में पढ़ सके। फिर यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की, जहां वो अकेले दृष्टिहीन छात्र थे। जकरिया मोहम्मद याकूब ने अपने देश में चल रहे रंग भेदभाव और अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा योगदान दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के तौर पर की थी। कामयाबी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी जब उन्होंने एक ऐसा केस जीता जिसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इस केस से उन्हें शोहरत मिली। इसके बाद जस्टिस याकूब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने दृढ़ संकल्प और विवेकशीलता के बल पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। समाज के निम्न वर्ग की सहायता करने को वो अपना फर्ज समझते हैं और उन्हें उनका हक दिलाने का कोई पैसा नहीं लेते। मई 2007 में अपने भारत दौरे पर वो कई जजों, वकीलों और डिसेबिलिटी ग्रुप से मिले और उनके साथ अपने देश में मानव अधिकारों को लागू करने के अपने अनुभवों को बांटा। आज जस्टिस याकूब कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, मैं समाज के प्रति अपना योगदान दे रहा हूँ और अपने देश के संवैधानिक कानून को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। जख्मी है तेरा लम्हा लम्हा फरियादी है, बोल जुबान अब घोर बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहां से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए जी? काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंचाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए। और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit.
हेलो आईवे जी, आप आईवे हेल्प डेस्क से बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन बोल रही? जी जी जी, मैं एक ब्लाइंड लड़की हूँ और मुझे मेरे एक दोस्त ने आपका नंबर दिया है, पर पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आईवे हेल्प डेस्क है क्या? देखिए मैम, आईवे आँख और दृष्टिहीनता से संबंधित जानकारी का एक केंद्र है। यहाँ लोग कॉल करते हैं, ईमेल करते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। तो वो किस तरह के सवाल पूछते हैं? देखिए, ज्यादातर सवाल करने वाले दृष्टिहीन या उनसे संबंध रखने वाले लोग होते हैं, जो पूछते हैं एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, ब्लाइंड लोग कैसे कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दृष्टिहीन बच्चों की परवरिश कैसे करें, वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, तो आप उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान कैसे बताते हैं? देखिए, हम उनसे डिटेल में बात करके मामले को ठीक तरह से समझते हैं पहले तो, और फिर उस समस्या के लिए उन्हें संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम आपको प्रणय गड़ोदिया और जॉर्ज अब्राहम से मिलवाएं, जो स्कोर फाउंडेशन संस्था के तहत ये आईवे हेल्प डेस्क चला रहे हैं। जी तो लीजिए सुनिए, जॉर्ज और प्रणय उनसे पूछे गए सवालों में कुछ एक सवाल बता रहे हैं जिन्हें उन्होंने आईवे हेल्प डेस्क के जरिए सुलझाने की कोशिश की थी। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं, मैं प्रणय गड़ोदिया और मेरे साथ में मिस्टर जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार। नमस्कार। और हम आपसे आज फिर बांटेंगे कुछ ऐसे कॉल्स जो हमने आईवे हेल्प डेस्क पे रिसीव किए हैं और उनको हमने कैसे सुलझाने की कोशिश की। हर हफ्ते हमारे पास करीब 30-35 कॉल्स आते हैं और कई रोचक कॉल्स आते हैं, और हाल ही में कॉल्स अगेन बैंकिंग के बारे में आया है और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि उनको सेविंग्स अकाउंट्स खोलने से मना कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको एटीएम कार्ड्स नहीं दे रहे हैं, चेक फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं। तो हमने पिछले कार्यक्रम में मिस्टर पिंचा के बारे में बोला था। मिस्टर पिंचा के केस में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया था जिसमें साफ कहा गया था कि बैंक उनका अकाउंट पूरी सुविधाओं के साथ खोले, यानी कि चेकबुक और एटीएम फैसिलिटी के साथ। और प्रणय, हमारे पास अधिकृत इन्फॉर्मेशन है कि अभी अगर किसी के साथ भेदभाव किया गया अकाउंट्स खोलने के सिलसिले में, तो फिर वो डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फोन कर सकते हैं मुंबई ऑफिस में, और हमारे पास दो नंबर्स हैं जो आप हमारे आईवे हेल्प डेस्क से ले सकते हैं। बिल्कुल साहब। एक हमारे पास में ईमेल आया था, ये व्यक्ति पीएचडी है इकोनॉमिक्स में, मुंबई में काम करते हैं और इन्हें सारा दिन कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है जिसके कारण उनकी आंखें काफी थक जाती है। जो लो विजन वाला केस था जिसको हमने बताया था कि मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर, जहां पर कंप्यूटर में जो अक्षर है वो बड़ा करके दिखाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, और जो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बताया था, वो यूज करने के बाद में उन्हें काफी रिलीफ मिला। दोस्तों, हमारे पास में उड़ीसा से एक युवक का कॉल आया था जो सेकेंड ईयर बीकॉम में थे, वही जो बैंक्स में क्लरिकल जॉब्स के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते थे। हाँ जी, और हमें पूछ रहे थे कि कैसे किया जाए, बट हमने उन्हें ये भी बताया कि बॉस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 1% रिजर्वेशन होता है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। और इतना ही नहीं, वो अफसर के जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। और यही नहीं, वो अपना एस्पिरेशंस हाई रखें, अच्छा आईक्यू लेवल है उनका, अच्छा पढ़ते हैं, तो वो क्यों ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं। और हमें अभी भी याद है कि उन्होंने तय किया कि वो अपने प्रोफेशनल एजुकेशन आगे बढ़ाएं, और तो हमने उन्हें कनेक्ट किया और भी दूसरे प्रोफेशनल से जो कि विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं। हाँ, और एक और बात हमें याद आ रहा है कि जो पुणे से जो कॉमर्स स्टूडेंट ने आपको फोन किया था। हाँ जी, वो लड़की जिसका 10th के बाद में एक एक्सीडेंट के कारण टोटल ब्लाइंडनेस हो गया था, बट उसका 11th और 12th का कॉमर्स के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और यही था ना, जो CS करना चाहते थे या MBA करना चाहते थे या सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहते थे या बैंक PO बनना चाहते थे, और जिनके टीचर्स और जो बाकी सीनियर्स थे वो लोग उनको डिस्करेज कर रहे थे कि दृष्टिहीन होने की वजह से शायद वो मंजिल तक ना पहुंच पाए। हाँ, और वो एक कंफर्मेशन चाहते थे कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने उन्हें ऐसे दूसरे प्रोफेशनल से कनेक्ट किया जो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड है। और दोस्तों, एक बात हमें याद रखना है कि जब हम किसी मंजिल तक पहुंचने का ठान लेते हैं तो हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए, जरूर हम दूसरों का सलाह लेना चाहिए, स्पेशली उन लोगों से जिनके पास वो अनुभव है उस रास्ते पे चलने का। जैसे कि अगर आप MBA करना चाहते हैं, तो अगर आप जानते हैं कि कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है जो MBA किया है और सफलतापूर्वक कॉर्पोरेट इंडिया में काम कर रहे हैं, तो उनसे सलाह जरूर लेना चाहिए। और ऐसे ही हमारे पास में कुछ और कॉल्स आए थे स्टूडेंट्स के जो कॉमर्स में पढ़ रहे थे और वो दूसरे और स्टूडेंट्स को नहीं जानते थे जो विजुअली इम्पेयर्ड और कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने उन्हें एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस शेयर कर सके। चलिए प्रणय, एक अभी गाना सुनते हैं, और आपका पसंद का कोई गाना। क्रेजी किया रे, वक्त बहुत ले लिया भाई। चोरी किया रे, दिल ये दिल लिया रे।
चलिए इस गाने के बाद हम लोग वो 3 साल के बच्चे के बारे में बात करते हैं जो हाँ जी जिसको प्ले स्कूल में एडमिशन के लिए हमने कुछ प्रयास किया था। जी जी जी, और खुशी की बात यह है कि आने वाली अप्रैल से ये बच्चा मुख्यधारा यानी कि मेन स्ट्रीम स्कूल में, दिल्ली के एक नामी मेन स्ट्रीम स्कूल में नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ेगा क्योंकि उनको एडमिशन मिल गया है। राइट, और साथ में सर आपको याद होगा बिहार से हमारे पास में एक 10वीं कंप्लीट करने के बाद में एक छात्र का फोन आया था, टोटली ब्लाइंड बच्चा है जो दिल्ली के एक मेन स्ट्रीम स्कूल में उनको एडमिशन मिला है और आज की तारीख में वो कंप्यूटर भी शायद सीख रहा है। हाँ जी, और काफी मन लगा के पढ़ रहा है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। हाँ प्रणय, कई ऐसे लोग हमें हाल ही में फोन किए हैं जो हमारे कार्यक्रम सुन के प्रोत्साहित हुए हैं। और हमारे पास में हाल ही में कॉल आया था प्रतापगढ़ से, जो 7 साल से कुछ नहीं कर रहे थे, एक्सीडेंट के कारण 12वीं कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे क्योंकि वो टोटली दृष्टिहीन हो गए थे। और हमारे कार्यक्रम सुन के उनके दिल में एक उमंग सा पैदा हुआ है कि कुछ करने का, और वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और एक विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं ताकि वो एक ट्रांसलेटर बने। इसी तरह से हमारे पास में कॉल आया पुणे से एक व्यक्ति का जो एक गवर्नमेंट जॉब में है, और वो कह रहे थे कि हमें अगर ये प्रोग्राम पहले सुनने मिल जाता तो शायद हमें और ज्यादा जानकारी मिलती और हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ जीवन तब से ही जीना शुरू कर देते। प्रणय, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के एक शहर से एक महिला ने हमें फोन किया था। हाँ जी, लखनऊ से, जो कि जन्म से ही दृष्टिहीन है और उनके पेरेंट्स ने हमेशा उनको घर में ही रखा, कुछ भी करने नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी थी। और हमें याद है कि हमने उनसे भी बात किया और उनके भाभी से भी बात किया, और बात करने के बाद खुशी की बात यह है कि ये महिला ब्रेल सीखना शुरू किया है अभी, और ये आगे जाके अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, ये तो खुशी की बात है। हाँ जी जरूर। जॉर्ज साहब, आपको याद होगा मैंगलोर से हमारे पास में एक लड़की का कॉल आया था जिसने लेट एजुकेशन अपना स्टार्ट किया था, बट वो अपना 12th कंप्लीट कर चुकी थी पर अभी 2 साल से घर में बैठी थी। फोन करके कहा कि वो आगे जाके कुछ काम करने चाहते थे, जिसको हमने कहा था कि काम करने से पहले हमें कुछ स्किल सेट्स डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं। तो उन्होंने बेंगलोर गया और एक संस्था में एडमिशन लिया है और अभी वो इंग्लिश मेरे ख्याल से सीख रहे हैं। हाँ जी, और आगे वो ये भी प्रयास कर रही है कि वो अपना ग्रेजुएशन चालू कर सके। और प्रणय, हमारे पास कई ऐसे कॉल्स आए, स्पेशली हमारे जो डॉक्टर्स के साथ, जो रेटिना डॉक्टर्स के साथ जो मुलाकात हुआ था, उसके बाद हमारे पास कॉल्स आए थे जहाँ लोग अभी भी अपनी आंखों के प्रॉब्लम के बारे में इलाज ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्हें कई डॉक्टर्स ये बता चुके हैं कि उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। खासकर जब आपका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो या ऑप्टिक एट्रोफी से आपका दृष्टि गया हो, या ग्लोकोमा यानी काला मोतिया हो, या आपकी आंखों की नस सूख गई हो, जैसे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी बता रहे हैं सर। ऐसे मौकों पर मेरे ख्याल से हमारा वक्त और हमारा जो समय है, हमारे जिंदगी संवारने पर हमें ध्यान देना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू गेट ऑन विद योर लाइफ, उठो, आगे बढ़ो, विजन इम्पेयरमेंट को एक्सेप्ट करो और उसे साइड में रख दो। और दोस्तों, अगर आपको आंख और दृष्टिहीनता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो आपको मालूम है हमें कॉल करना है 9968329329, यानी कि 9968329329। और आप दिल्ली से बाहर से कॉल करेंगे तो 0 भी ऐड कीजिएगा शुरू में। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 9968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyway.org पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एपिसोड 33 के सवाल का जवाब, जो कुछ इस तरह था। विंडोज आधारित ज्यादातर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स का बैकग्राउंड कलर सफेद या हल्के रंग का होता है, पर जिन लोगों की आईसाइट यानी रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है उन्हें कंप्यूटर पर देर तक काम करना मुश्किल लगता है। तो इस समस्या का हल है, आपके ऑप्शंस थे ए, हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले के इनबिल्ट फीचर का इस्तेमाल करना जो कि काले बैकग्राउंड या सफेद टेक्स्ट दिखाता है, या बी, कंप्यूटर्स के इस्तेमाल को बंद करना, या सी, किसी और से कंप्यूटर स्क्रीन को पढ़ने के लिए कहना। जी दोस्तों, और ऑप्शन ए यानी के हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले के इनबिल्ट फीचर का इस्तेमाल करना जो काले बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट दिखाता है, इस सवाल का सही जवाब है। और एपिसोड 33 यानी 33 के विजेता का नाम बताने के लिए आज फिर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है प्रणय गड़ोदिया। थैंक यू सलीमा जी। तो दोस्तों, एपिसोड 33 के हमारे लकी विनर हैं मोहनदास जे चोपड़ेकर पणजी गोवा से। चोपड़ेकर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको।
तो दोस्तों दिमाग के नसों पर जोर देने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है एपिसोड 39 यानी 39 का हमारा सवाल। हमें बताइए कि भारत में लोकसभा का सदस्य बनने वाला पहला ब्लाइंड व्यक्ति कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए प्रणब मुखर्जी, बी साधन गुप्ता या सी अटल बिहारी वाजपेयी। हु इज द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया? Your options are A. Pranab Mukherjee, B. Sadhan Gupta and C. Atal Bihari Vajpayee. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आईवे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, नंबर नोट कर लीजिए 0996832932। और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@eyewayiwayi.org पर लिखें। दोस्तों इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि what lies behind and what lies ahead is of very little importance compared to what lies within you. जाते जाते आपने छक्का मारे। अगले हफ्ते हम दोनों की आपसे मुलाकात होगी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। आई वे ये है रोशनी का कारवां।